जीवन जागृति सोसाइटी ने डूबते हुए लोगों की जान बचाने का दिया प्रशिक्षण। भागलपुर सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गंगा में डूबते हुए लोगों की जान बचाने के लिए एक मुहिम चलाते हुए स्थानीय दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही गंगा घाट में बैनर, पोस्टर, ट्यूब, रस्सी, बांस लगाते हुए लोगों को जागरूक किया गया, जिससे डूबते हुए लोगों की जान बच सके। इस दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रबंधक अजीत कुमार, संयोजक मुकेश कुशवाहा ने बताया कि गंगा घाट में डूबते हुए लोगों की जान बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जो पूर्व में ये मुहिम के माध्यम से कितने लोगों की जान बच चुकी है। इसी कड़ी में अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में ट्यूब, रस्सी, बांस के माध्यम से लोगों की जान बचे, इसके लिए स्थानीय दुकानदारों को प्रशिक्षण देते हुए गंगा घाटों में ट्यूब, रस्सी, बांस दिया गया है, जिससे डूबते हुए लोगों की जान बचाई जा सके। इस दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के संयोजक संबित कुमार, रजनीश कुमार, मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार, जितेंद्र यादव सहित अन्य सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा लगातार जीवन बचाने का कार्यक्रम जारी है। सड़क दुर्घटना में हम लोग सैकड़ों जाने बचा चुके हैं। सर्पदंश में हम लोग जान बचाते हैं और प्रेरित करते हैं कि झाड़ फूंक में नहीं जाएं, आप अस्पताल में इलाज कराएं। और उसी तरह से गंगा में डूबने से बचाने को लेकर हम लोग लगातार मुहिम जारी है। भागलपुर के पुल घाट में हम लोग करीब 65 जाने बचा चुके हैं और 3 साल में सिर्फ एक डूब कर मौत होने की घटना घटी है, जबकि हर महीने 2-3 आदमी पहले डूब के मर जाते थे। पहले सिर्फ लाशें निकाला जाता था, अब हम लोग जिंदा बचा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कार्यक्रम अब सुल्तानगंज में हो रहा है, बटेसर स्थान में भी ऑलरेडी चल रहा है, अब सुल्तानगंज में भी हम लोग जोर शोर से अजीत कुमार जी और मुकेश कुमार के और संबित कुमार के संरक्षण में हम लोग इसको डाले हुए हैं और ट्यूब और रस्सी यहाँ रख रहे हैं। बांस भी हम लोग रखेंगे कि यदि कोई डूब रहा व्यक्ति हो तो उसको आप ट्यूब आप फेंकिए, एक छोर में रस्सी पकड़ के रखिए, उससे वो बच जाएगा और आपके जान को भी, बचाने वाले के जान को भी खतरा नहीं होगा। ये हम सबों से अपील करते हैं, दुकानदारों से, ढाबिकों से, यहाँ जो नहाने आ रहे हैं, कि कृपया इसको बेमतलब का छेड़छाड़ नहीं करें और जब भी आपात स्थिति हो, डूब रहा हो, तभी इसको उस डूबने वाले व्यक्ति की तरफ फेंके, उसकी जान बचना निश्चित होगा। यही सबों से मेरा संदेश है कि ये जान बचाने का काम डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा बहुत दिनों से चल रहा है। इसे डॉक्टर साहब का तो बहुत पहले से ही बच्चों का देख रेख करना इनका शुरू से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सुल्तानगंज में लगाने का मकसद यही है कि यहाँ भीड़ भाड़ होने के कारण डूबने का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ रहता है, इसी वजह से यहाँ पर लगाया गया है रस्सी और ट्यूब का। और इसको स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया है कि इसके द्वारा बचाया जाए और आगे भी ये कार्यक्रम बचाने के दौरान जो भी बचाया जाएगा, जो भी उनको जाकर के प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन किया जाएगा, ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। मैं मुकेश कुशवाहा, उस घाट में भी क्या कहता है मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर घाट में भी लगाया जाएगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। मुकेश कुशवाहा, सह संयोजक जीवन जागृति सोसाइटी, जय हिंद, जय भारत। आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, आरएन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आरएन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।